एक व्यक्ति 22 जुलाई को नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से एटीएम में डालने के लिए निकाले गए 20 लाख रुपए अपने थैले में भरकर सभी को चकमा देकर बड़े इत्मीनान के साथ फरार हो गया। इसकी खबर बैंक कर्मियों को करीब 1.5 घंटे बाद हुई तो हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी बैंक आकर तफ्तीश की पर नतीजा शून्य रहा। पर मिलक कोतवाली पुलिस चोर की तलाश में सक्रियता के साथ जुटी रही। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई और शुक्रवार को पुलिस ने चुराई गई 20 लाख रुपयों की रकम के साथ चोर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। एसओजी प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार की रात सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कादरी भट्टे के निकट छापा मारा गया तो मौका पर मौजूद लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को 20 लाख रुपयों की रकम के साथ दबोच लिया। हालांकि इस दौरान 3 लोग फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कटरिया थाना क्षेत्र के बोड़ा गांव निवासी अर्जुन है, जबकि मौके से फरार आरोपी इसी गांव के ऋषि बाबो और अजबो हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए अर्जुन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रामपुर से रामचंद्र मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज़, बिहार।